नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। फरवरी के महीने में दिल्ली में दंगा हुआ। इन दंगों में 52 लोगों की मौत हुई। इन दंगों को दक्षिणपंथी ताकतों ने, हिंदुत्ववादी ताकतों ने कहा कि दरअसल ये दंगे हिंदू विरोधी दंगे थे। ये दंगे देश की हिंदुत्ववादी नरेंद्र मोदी की सरकार को डिस्क्रेडिट करने के लिए किया गया था, उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए किया गया था। ऐसे मौके पर जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान में थे, दिल्ली में थे, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यहां पर था, यानी इन दंगों को आयोजित करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की गलत छवि को पेश करने की कोशिश ये दंगे थे। अगर ऐसा था तो जाहिर सी बात है इन दंगों में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो हिंदू समुदाय को होना चाहिए था, सबसे ज्यादा तकलीफ हिंदू तबकों को होनी चाहिए थी, सबसे ज्यादा घायल, सबसे ज्यादा मरने वालों की तादाद, सबसे ज्यादा उनके मकानों, दुकानों, धार्मिक स्थलों को नुकसान हिंदू समुदाय को होना चाहिए था। लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है खुद दिल्ली पुलिस की अपनी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने एक एफिडेविट 13 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट के सामने पेश किया है। उस एफिडेविट में जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं, उन आंकड़ों के आधार पर ये बहुत आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दरअसल जो तस्वीर पेंट की गई वो तस्वीर गलत थी। जो ये बताने का प्रयास किया गया कि दरअसल दिल्ली के दंगे हिंदू विरोधी दंगे थे, उन बातों की तस्दीक खुद दिल्ली पुलिस की अपनी रिपोर्ट नहीं करती है। क्या है वो आंकड़े और क्या दिल्ली पुलिस का मंतव्य है, इस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन पहले छोटी सी अपील कर देते हैं। अपील ये है कि आज के समय में जबकि एक तरफ गोदी मीडिया है, दूसरी तरफ कॉरपोरेट मीडिया है, तीसरी तरफ सरकारी मीडिया है, और इनके बीच में जो ईमानदार पत्रकारिता है वो कहीं खोती जा रही है। सत्यहिंदी.com ने एक कोशिश की है ईमानदार पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इसमें हमें लगातार आपका सहयोग मिल रहा है, हमें आपके इस सहयोग की और जरूरत है। हमने यानी सत्यहिंदी.com ने एक सत्य हिंदी सदस्यता अभियान शुरू किया है, जिसमें आप आर्थिक तौर पर भुगतान कर सकते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के अंत में जो डिस्क्रिप्शन है वहां जाना होगा और उसके बाद आप हमारे सदस्य बन सकते हैं और उचित अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं। और अब हम आज की डिबेट पर जाते हैं। डिबेट पर इसलिए जाते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दिल्ली के जो दंगे थे, जिनकी चर्चा बहुत लंबे समय तक होगी और लंबे समय तक जिसकी चर्चा हो रही है, ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में 1984 के दंगे हुए, जिसमें कांग्रेस की सरकार का इन्वॉल्वमेंट देखा गया, कांग्रेस के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट देखा गया, जिस तरीके से 2002 में गुजरात के दंगे हुए उसकी चर्चा खूब हुई पूरी दुनिया में, भारत के अंदर, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक पहले मुजफ्फरनगर के दंगे हुए जिनकी भी खूब चर्चा हुई थी, अब उस श्रेणी में दिल्ली का दंगा भी शामिल। लेकिन दिल्ली के दंगों के माध्यम से एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने की कोशिश की गई और एक तस्वीर पेंट की गई। तस्वीर ये पेंट की गई कि दरअसल ये हिंदू विरोधी दंगे थे और मुस्लिम समुदाय ने अटैक किया था। मैंने आपको बताया था कि दरअसल दिल्ली पुलिस की अपनी रिपोर्ट ही इस बात को खारिज कर देती है, और आपको मालूम है कि दिल्ली पुलिस की जो निष्पक्षता है इन दंगों के दौरान, उस पर बड़े तीखे सवाल उठे थे। ये सवाल खड़ा किया गया था कि दिल्ली पुलिस दंगाइयों के साथ थी या दिल्ली पुलिस ने उन दंगों को शांत करने की कोई कोशिश नहीं की, और क्यों नहीं कोशिश की, इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए। इसी दिल्ली पुलिस ने 13 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक एफिडेविट सबमिट किया है, और उस एफिडेविट के हिसाब से अगर ये हिंदू विरोधी दंगे होते तो जाहिर सी बात है इसमें हिंदुओं को ज्यादा नुकसान हुआ होता, मुसलमानों का कम नुकसान हुआ होता। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी एफिडेविट में इस बात को, जो डेटा दिए हैं वो बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली पुलिस के इस एफिडेविट के मुताबिक दिल्ली दंगों में कुल
52 लोगों के मारे जाने की जानकारी उन्होंने दी है, जिनमें मुस्लिम तबके के 40 लोगों की मौत हुई है और हिंदू तबके के सिर्फ 12 लोगों की मौत हुई। अगर इसमें पुलिस के अधिकारी रतनलाल को जोड़ लेते हैं तो कुल संख्या 53 हो जाती है। यानी एक तरफ 40 मुस्लिम समुदाय के लोगों की मौत हुई है, उधर हिंदू तबके के 12 तक। sathindi.com में स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, मौत चाहे हिंदू तबके की हो, चाहे मुस्लिम तबके की हो, चाहे सिख तबके की हो, ये दुखदायी होती है, पीड़ादायक होती है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि जो तस्वीर पेंट की जा रही है, उस तस्वीर की सच्चाई को लोगों के सामने रखने का काम पत्रकारिता का होता है और sathindi.com वही काम कर रहा है, और उस सच को आपके सामने रखने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इस बात को आपके सामने रखें कि किस समुदाय के लोग कितने मरे। इसलिए हमने आपको कहा कि कुल 52 लोगों की मौत हुई है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के 40, हिंदू तबके के 12। इसी तरीके से जो घायल लोगों की जानकारी है, इस घायल लोगों की जानकारी के हिसाब से कुल 473 लोग घायल हुए हैं इन दंगों में, जिसमें मुस्लिम समुदाय के 257 लोग हैं और हिंदू तबके के 216 लोग हैं। ये दो आंकड़े स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि अगर हिंदू विरोधी दंगा होता तो इतनी बड़ी संख्या में मुसलमानों की मौत नहीं होती। अब अगर हम घर का आंकड़ा लें, क्योंकि दंगों के दौरान न केवल जाने दी जाती हैं बल्कि दुकानों को नुकसान पहुंचाया जाता है, घरों को आग लगाया जाता है, जो धार्मिक स्थल होते हैं उनको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, तो दिल्ली पुलिस ने जो एफिडेविट में जो आंकड़े दिए हैं वो आपके सामने हम रख देते हैं। आंकड़े क्या है कि इन दंगों के दौरान कुल 185 घरों को निशाना बनाया गया, इन 185 घरों को बर्बाद किया गया, नष्ट किया गया, आग लगा दिया गया, जला दिया गया, उनको बुरी तरीके से उनको तबाह करने की कोशिश की गई है। जिनमें दिल्ली पुलिस ने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक 50 घर ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय के हैं, 14 घर जो हैं वो हिंदू समुदाय के हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन दो आंकड़ों के बाद बाकी के आंकड़ों के बारे में दिल्ली पुलिस ने कोई ब्रेकअप नहीं दिया है, और खास तौर पर हजूरी खास और करावल नगर के जो इलाके हैं, ये इलाके हिंदू डोमिनेटेड इलाके हैं, यहां मुस्लिम परिवार कम संख्या में रहते थे। इन दोनों इलाकों के बारे में दिल्ली पुलिस ने किसी तरीके का कोई रिलीजियस या धार्मिक आधार पर कोई विवरण नहीं दिया है कि इन इलाकों में जो घर नष्ट हुए हैं या जो तबाह हुए हैं, जो बर्बाद हुए हैं, उनमें कितने हिंदू परिवारों के हैं और उनमें कितने मुस्लिम परिवारों के हैं। लेकिन चूंकि ये हिंदू बाहुल इलाकों में है, इसलिए आप खुद अपना अनुमान लगा सकते हैं। इसी के अलावा दुकान कितने बर्बाद हुए हैं, जो दिल्ली पुलिस ने आंकड़े दिए उसके हिसाब से कुल 53.4% दुकान जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के हैं और 14% दुकान हिंदू समुदाय के हैं। आपको याद होगा कि इन दंगों के दौरान एक सवाल और बड़ी तेजी के साथ खड़ा हुआ था, और जो अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए गए थे कि दरअसल उनके धार्मिक स्थलों को बड़े पैमाने पर चुन चुन कर निशाना बनाया गया था। आपको याद होगा scroll.com ने या wire.com ने या प्रिंट ने और दूसरे अखबारों ने भी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, इंडियन एक्सप्रेस ने भी बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट इस बारे में छापी थी, और इस तौर इशारा किया गया था कि जो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल हैं उनको बहुत चुन चुन कर निशाना बनाया गया था और बड़ी संख्या में उनको निशाना बना के उनको तबाह करने की कोशिश की गई थी। जो दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है वो कहता है कि कुल 19 धार्मिक स्थल हैं जिनको निशाना बनाया गया है, इनमें से 13 जो है वो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल हैं यानी मस्जिदें हैं, और 6 मंदिर हैं जो धार्मिक स्थल हैं। हालांकि कुछ लोग इन आंकड़ों पर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि कुछ का कहना है कि scroll.com ने जो रिपोर्ट दिखाई थी 25 फरवरी को, उस रिपोर्ट में ये बात उन्होंने कम से कम 15 मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों की यानी मस्जिदों की तस्वीरों के साथ उन्होंने वो रिपोर्ट दिखाई थी। लेकिन चूंकि दिल्ली पुलिस यहाँ कह रही है कि सिर्फ 13 ही मस्जिदों को नुकसान पहुंचा, तो हम उनकी बात को मानते हैं। हालांकि एक बात और है कि पिछले हफ्ते ही RTI के माध्यम से ये जानकारी आई थी, जब पूछा गया था कितने धार्मिक स्थल दिल्ली दंगों के दौरान जिनको नुकसान पहुंचा है, तब आंकड़ा था कि मस्जिदों को या मदरसों को 11 थे और मंदिर की संख्या 2 थी। खैर, ये अब चूंकि दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने आंकड़े रखे हैं, इसलिए हम इसी आंकड़ों के आधार पर चलते हैं।
अब ये आप जो आंकड़े देखे हैं कि मरने वालों की संख्या 52 में से 40 यानी 77% के आसपास मुस्लिम तबके के लोग हैं, दुकानों को जो नुकसान हुआ है मुस्लिम तबके के 53.4% दुकानों को नुकसान पहुंचा है, 13 मस्जिद, यानी जो सारे के सारे आंकड़े हैं ये आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि इन दंगों में बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय को ही नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं कि हिंदू समुदाय को नुकसान नहीं हुआ है, दंगों में दोनों तरफ से आगजनी हुई, दोनों तरफ से हिंसा हुई है, लेकिन नुकसान जिसको हुआ है वो मुस्लिम समुदाय है, चाहे मरने वालों की संख्या हो, चाहे घायल होने वालों की संख्या हो, चाहे दुकानों के बर्बादी का नक्शा हो, या फिर धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने का सवाल खड़ा हुआ हो, इन सारे मामले में मुस्लिम समुदाय को ज्यादा निशाना बनाया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिल्ली पुलिस की अपनी रिपोर्ट कह रही है जो उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखी है। आपका सवाल ये हो सकता है कि दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के सामने उन्होंने क्यों रिपोर्ट रखी है? इसलिए रिपोर्ट रखी है क्योंकि कुछ सोशल एक्टिविस्ट लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ये पिटीशन दायर की है। उसमें ये कहा है कि बीजेपी के कुछ नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जो मंत्री हैं, इन लोगों ने भड़काने वाली बातें कही हैं, लिहाजा वहां दंगे भड़के हैं और जो इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए थी। इस मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को तलब किया और उनसे एफिडेविट मांगा। जो दिल्ली पुलिस ने एफिडेविट दिया है उसमें ये सारी जानकारी उन्होंने देने का काम किया है। इस एफिडेविट में जो बात मैं आपसे कह रहा था कि जो तस्वीर पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल ये हिंदू विरोधी दंगे थे और मुस्लिम तबके ने या अल्पसंख्यक तबकों ने इनकी साजिश रची थी, इस ओर उन्होंने इशारा किया। जो कारण उन्होंने बताया है कि दंगे क्यों हुए हैं, उस कारण को अंग्रेजी में शब्द पहले पढ़ देता हूं, फिर उसको हिंदी तर्जुमा आपके सामने कर दूंगा। टू एग्जीक्यूट अ सेशनिस्ट मूवमेंट इन द कंट्री बाय प्रोपगेटिंग एन आर्म्ड रेबेलियन इन विच एंटी गवर्नमेंट फीलिंग ऑफ मुस्लिम्स विल बी यूज्ड एट एन अपॉर्चून टाइम टू डिस्टेबलाइज अ गवर्नमेंट। यानी जो मुस्लिम तबके के अंदर सरकार विरोधी जो भावना है, उस भावना का फायदा उठाकर देश के अंदर पृथकतावादी ताकतें वो सशस्त्र विद्रोह करके मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही थी। यानी ये जो पूरा का पूरा जो दंगा था वो दरअसल एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था और वो उसमें पृथकतावादी ताकतें लगी हुई थी। और हकीकत क्या थी? हकीकत ये है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली चुनाव के दौरान और जब से नागरिकता कानून पास हुआ है उसको लेके दिल्ली में और देश के दूसरे इलाकों में बड़े पैमाने पर उस नागरिकता कानून का विरोध हो रहा था। दिल्ली के अंदर शाहीन बाग उसका एक प्रतीक बन गया था। शाहीन बाग के इशारे पर बहुत सारे इलाकों में महिलाएं जो है मुस्लिम तबके की महिलाएं, कुछ दूसरे तबकों की महिलाएं भी, कुछ हिंदू परिवार भी महिलाएं भी और कुछ दूसरे सिख परिवार की महिलाएं भी धरने पर बैठी उसका विरोध कर रही थी। तो इस पूरे आंदोलन को एक तरीके से देश विरोधी आंदोलन करार दिया गया। चूंकि उसमें मुस्लिम महिलाओं की स्थिति ज्यादा थी, मौजूदगी ज्यादा थी, उपस्थिति ज्यादा थी, तो उसको बड़े आराम से उस तरीके से पेंट करने की कोशिश की गई। अब ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आपको मैं कहूंगा कि ये आकस्मिक नहीं है कि जिनको आप हिंदू विरोधी दंगे कह रहे थे उसमें नुकसान और घायल पर मरने वालों की संख्या अल्पसंख्यक तबके की ज्यादा है, मुस्लिम तबके की ज्यादा है, जो इस ओर पूरा इशारा करती है कि दरअसल इस पूरे मामले की जो तफ्तीश की जा रही है, जो जांच पड़ताल की जा रही है, वो किसी खास उद्देश्य के साथ की जा रही है और न्याय और इंसाफ के लिए नहीं की जा रही है। ये बात फिर मैं दिल्ली अदालतों के माध्यम से कह रहा हूं, मैं अपने तई कोई बात नहीं कह रहा हूं यहां पे। अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट 15 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट छपी है। उस रिपोर्ट में जो स्पेशल कमिश्नर पुलिस क्राइम दिल्ली के हैं, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है। उस ऑर्डर में इस बात का जिक्र किया गया है कि उत्तर पूर्व दिल्ली में दंगा प्रभावित क्षेत्रों में कुछ हिंदुओं को की गिरफ्तारी से हिंदू समुदाय में कुछ नाराजगी है, आक्रोश है, लिहाजा गिरफ्तारी करते समय उचित ध्यान और एहतियात करते हैं। यानी इस बात का साफ जिक्र किया गया है कि हिंदू समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी हुई जिसकी वजह से उस इलाके में नाराजगी है और लोग ये कह रहे हैं कि बेगुनाह लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। और उसमें ये भी कहा गया कि कुछ हिंदू मुस्लिम तबके के लोग थे
जिनको जिनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ये भी सच है, सच्चाई कि बीजेपी के एक नेता जिनका नाम ब्रजमोहन शर्मा है, उस इलाके के बीजेपी के नेता है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ये 23 जून की चार्जशीट में इस बात का खुलासा होता है। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट से जाहिर सी बात हंगामा मचना था। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक सफाई आई और उस सफाई में कहा गया कि पुलिस जो है वो धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर किसी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है और उन्होंने सिर्फ यही ऑर्डर पास किया है कि ऑब्जेक्टिव तरीके से, ईमानदारी के साथ, निष्पक्ष होकर जांच पड़ताल की जाए और यही काम किया जाए, न कि धर्म के आधार पर पहचान। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट पर स्टैंड खड़े होते हैं, मतलब उन्होंने अपने स्टैंड पर, उनकी रिपोर्ट सही है एंड दे स्टैंड बाय देयर रिपोर्ट। उन्होंने कहा है कि जो आदेश था उस आदेश में स्पष्ट तौर पर यह बात लिखी हुई थी जो मैंने अपनी रिपोर्ट में की है। अब जो दिल्ली पुलिस ने सफाई दी वो बिल्कुल अलग है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि मई के महीने में निचली अदालत ने एक टिप्पणी की थी जब जामिया मिलिया इस्लामिया के एक छात्र आसिफ इकबाल तलहा, इनको गिरफ्तार किया गया था और अदालत के सामने जब पेश किया गया था तो अदालत के में जो जज महोदय थे उन्होंने ये कहा था कि पूरी जांच जो है वो एक तरफा जान पड़ती है। उन्होंने जो दो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे उनसे भी कहा कि जब मैंने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया कि दूसरे पक्ष की जांच पड़ताल उस तरीके से क्यों नहीं की जा रही जिस तरीके से एक पक्ष की जा रही। ये बात सच है कि उन्होंने ये स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की थी कि जांच एक तरफा जांच किस पक्ष की तरफ झुकी हुई है और किसकी जांच नहीं कर रही। लेकिन चूंकि दंगों का सवाल था और दंगों में दो ही तबके के लोग थे, हिंदू और मुसलमान थे, तो ये और तलहा को गिरफ्तार किया गया था तो जाहिर सी बात है अदालत का कहना बिल्कुल स्पष्ट था वो क्या कहना चाहते हैं। इसी तरीके से जब पिंजरा तोड़ की दो लड़कियों को गिरफ्तार किया गया, देवांगना और नताशा को, और अदालत के सामने जब उनको पेश किया गया तब अदालत ने उनको जमानत देने का जब विरोध किया दिल्ली पुलिस ने तो स्पष्ट भी उन्होंने कहा था कि इन लड़कियां, ये लड़कियां जो हैं वो विरोध करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए शामिल हुई हैं, ये जांच में कोऑपरेट कर रही हैं और इन्होंने हिंसा में हिस्सा लिया ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब जमानत मिली तो उनको किसी दूसरी धारा में, ज्यादा गंभीर धाराओं में उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये जो मैंने आपको वर्णन दिया है कि निचली अदालतों का जो एक तरफा जांच कहने की बात करना, दिल्ली पुलिस का ये ऑर्डर निकालना कि हिंदू तबके के लोगों में नाराजगी है, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक तस्वीर आपके सामने रखती है और यही हमारी सब हिंदी की कोशिश है कि आपके सामने सच को रखा जाए। यानी जो आशंकाएं पहले दिन से दंगों के दौरान लगाई जा रही थी कि दिल्ली पुलिस की तफ्तीश जो है वो ईमानदार तफ्तीश नहीं हो रही है, ऐसी जो आशंका लोगों के अंदर है वो थोड़ी थोड़ी पुष्ट होती जा रही है। और अब ये अदालत के सामने मामला है, इस अदालत ही इसको तय करे और अदालत ही इसको तय करेगी कि मामले में क्या है, जांच के ऊपर कितने संतुष्ट होते हैं कितने संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन जो दिल्ली पुलिस की अपनी एफिडेविट है वो इस थियोरी को पूरी तरीके से खारिज कर देती है कि ये जो दंगा था वो हिंदू विरोधी दंगा था, या अगर ऐसा होता तो एक ही तबके यानी अल्पसंख्यक तबके को ज्यादा नुकसान नहीं होता, बहुसंख्यक तबके को ज्यादा नुकसान होता। अब अदालत ही इस बारे में अंतिम जज है, वही फैसला करे और वही इस बारे में तय करे। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।